ब्लड में यूरिक एसिड लेवल आमतौर पर एक सामान्य सीमा के भीतर रहता है, लेकिन कभी कभी बढ़ भी जाता है, जिससे हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। अतिरिक्त यूरिक एसिड तब शरीर के उत्तकों, विशेष रूप से किडनी और जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिससे किडनी की पथरी और गाउट, एक प्रकार का गठिया होता है, हो सकता है। जिनका यूरिक एसिड हाई हो वो इन फूड को ना खाएं तो बेहतर होगा। मांस और सी फूड। मीट में आमतौर पर मध्यम से बड़ी मात्रा में प्यूरीन होता है। बीफ, पोर्क, लीवर, ब्रेन, किडनी, स्वीट ब्रेड जैसे ऑर्गन मीट विशेष रूप से प्यूरीन से भरपूर होते हैं। मांस आधारित ग्रेवी, सूप, शोरबा और मांस के अर्क से तैयार की गई किसी भी चीज में प्यूरीन प्रचुर मात्रा में होता है। इनमें मसल्स, स्कैल्प, एंकोवी, सार्डिन, हेरिंग, मैकेरल, ट्राउट, झींगा और लॉबस्टर शामिल हैं। ना खाएं फ्रुक्टोज वाले फूड और ना लें ये ड्रिंक्स। फ्रुक्टोज एकमात्र कार्बोहाइड्रेट है जो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाता है। यह शरीर में प्यूरीन के उत्पादन को बढ़ाकर ऐसा करता है। फ्रुक्टोज आमतौर पर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप HFCS के रूप में कई मीठे फूड्स और ड्रिंक्स में मिलता है, जिसमें नॉन डाइट्री सोडा कैंडी शामिल हैं। शराब। कुछ प्रकार के अल्कोहल खासकर बियर में बड़ी मात्रा में प्यूरीन होता है। ये शरीर में प्यूरीन का उत्पादन और भी बढ़ा देते हैं। बियर से यूरिक एसिड के स्तर के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ सब्जियां और फल। ज्यादातर सब्जियों और फलों में प्यूरीन की मात्रा कम होती है, लेकिन कुछ सब्जियां जैसे बीन्स, दाल, मटर, मशरूम, पालक, फूलगोभी और शतावरी, इन सभी में हाई प्यूरीन होता है। इस करके ऐसी सब्जियों को कम से कम लें तो बेहतर होगा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।